Sait Sering Namgyel, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of States, House of the People, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. Thanks. Nominated as a candidate, fill a seat in the Council of State, do swear in the name of God, solemnly affirm that I bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India. कि पहले खिता कारगिल के सभी निवासियों को मैं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की प्रत्याशी आने वाले जो संसद का चुनाव होने जा रहा है 20 तारीख को जो हम अपना मतदान हम डालेंगे उसके लिहाज से आज हमने रिटर्निंग ऑफिसर वन लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के श्री सुखदेव सिंह के उनके पास हमने आज अपने पेपर्स नॉमिनेशन पेपर्स हमने जमा किए यहाँ पर। और मेरे साथ हमारे मेरे कलीग जो सपोर्टिंग कैंडिडेट असमानला बेगम निब्बू जी, उन्होंने भी अपना पर्चा यहाँ पर दाखिल किया रिटर्निंग ऑफिसर के सामने। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं यही उम्मीद करना चाहूंगा पूरे लद्दाख के निवासियों से, हमारे बौद्ध मुसलमान क्रिश्चन भाई बहनों से, बुजुर्गों से, जवानों से, कि आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद करेंगे, अपेक्षा रखेंगे आपसे कि सोच समझकर आप अपना मतदान करें। और जरूरी है कि सब मिलकर बढ़ चढ़ कर एक उत्साह के साथ अपना मतदान करें, घरों से निकलें, दुकानों से निकलें, और जो भी लद्दाख से बाहर हो कोशिश करें आप यहां आके अपना वोट डालें, क्योंकि भारत की संविधान को बचाना, खित्ते लद्दाख की जो इश्यूज है, जो बातें हैं, जो एजेंडा है, उसको आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक जोरदार तरीके से हम अपने वोट का इस्तेमाल करें और आने वाले सालों में लद्दाख की असलियत को, लद्दाख की पहचान को, लद्दाख की आइडेंटिटी को बचाने में आप हमें अपना सहयोग दें, ये मैं दुआ करता हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कांग्रेस के हाथ के बटन को दबाकर आप अपना सहयोग, अपना सपोर्ट आप हमें देंगे और साथ मिलकर काम करेंगे, साथ मिलकर आगे चलेंगे। ले करगिल खित्ते दोनों लोगों के लिए मैं वचनबद्ध हूं कि मैं आपके लिए मैं काम करने जाऊंगा, अगर ऊपर वाले की दुआ हो, आप लोगों की दुआ हो। अगर मैं दिल्ली जाने की अगर कोई नौबत आती है तो मैं भगवान को सर पर लेकर और एक इंसानियत के तौर पर पूरे लद्दाख के पूरे तंजीम को मैं काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो भी हमारे एजेंडा हैं, जो एपेक्स कमेटी और केडीए की तरफ से जो एक बहुत बड़ा चार पॉइंट का जो एजेंडा हमने सरकार के सामने हमने रखा है, माननीय होम मिनिस्ट्री के सामने रखा है, लद्दाख को एक राज्य देने की बात हो, चौदह शेड्यूल की बात हो, नौजवानों के लिए रोजगार की बात हो, और लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट दिलाने की बात हो, ये सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं और उसको हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी जोरदार तरीके से, अगर चाहा ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों की दुआ से हम इसको हर लिहाज पर, हर पटल पर, हर लेवल पर इसको जोरदार तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए, सारे मीडिया के बंदे हमारे यहाँ पर आप आए हैं, आप लोगों के माध्यम से सबों को जुड़े, सबों को सलाम, सलाम जुड़े। अभी
बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी सिक्स शेड्यूल आपके मैनिफेस्टो में जी 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 बिल्कुल 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 लोगों का जिस तरह का विश्वास रहा है एमएस तिवारी आने के बाद की सिक्स शेड्यूल की जो डिमांड है और लद्दाख की सेफगार्ड की जब वो बात कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी किस तरह खड़ी उतरेगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं हाँ बिल्कुल आपने सही सही फरमाया आपने। कांग्रेस पार्टी ने आप शायद सभी ने देखा होगा एक ऐतिहासिक कदम लिया लद्दाख के प्रति। जो हमारे जो मैनिफेस्टो है ना उससे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोगों को मालूम है कि हमारे सांसद अंबिका सोनी जी, दिग्विजय सिंह जी और हमारे हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने इन सारी बातों को उठाया, खासकर छठे शेड्यूल की मांग को लेकर। और खुशी की बात यह है कि हमारे हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट कार्तिक जोरा जी ने जो पिछले साल जो हमारा जो रायपुर में जो अधिवेशन हुआ था, जो हमारा कन्वेंशन हुआ था, उसमें भी इस बात को उठाया था। बहुत गंभीरता से हमारे कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस बात को महसूस किया और उसको अपना छठे शेड्यूल के बारे में सोचा उन्होंने। और उसी के चलते जो हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो नेशनल मैनिफेस्टो जो जारी की गई है पूरे भारत में जो रिलीज किया गया है, हम सब के लिए खुशी की बात है कि उसमें छठा शेड्यूल को लेकर लद्दाख को छठा शेड्यूल देने की बात की है और कांग्रेस वचनबद्ध है। और हमने ये देश के सामने हमने ये वचन लिया है हमारे मैनिफेस्टो के द्वारा, जो नया पत्र जो हमने मैनिफेस्टो जारी की है एक ऐतिहासिक कदम है, वो अपने आप में एक तरह से मस्ट स्टॉक है। ऐसे खूबसूरत जो मैनिफेस्टो जो जारी की है कांग्रेस के अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी जी ने, उसमें साफ तौर पर लद्दाख को छठे शेड्यूल देने की बात की गई है और इन सारे बातों को लेकर हम आगे चलेंगे। तो ये हम कांग्रेस प्रॉमिस करते लद्दाख के लोगों के सामने कि हम लद्दाख को पूर्ण राज्य के बाद इन सारे बातों का ध्यान दिखा जाए।